इलेक्ट्रिक कलेजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर जो यूज होते हैं स्टेबलाइजर में या बैटरी चार्जर में, उस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले वाइंडिंग जिस बोबिन में बनती है, बांधी जाती है, उस बोबिन को तैयार करेंगे। यहाँ पर पीवीसी बोर्ड कटिंग बोबिन के भाग है, ठीक है। ये नंबर के हिसाब से आते हैं, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 33 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, उस हिसाब से होता है। तो इसको असेंबल करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे तो देखते हैं। बोबिन के जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन से पहले उसके 3 भाग होते हैं। एक जोड़ा में ये भाग होगा, एक जोड़ा में ये भाग होगा और एक जोड़ा में ये भाग होगा। अब इसको असेंबल कैसे करते हैं तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, एक बराबर से मिला देंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट के पहले एक को उठाएंगे, उसके बाद इसको सीधा ना डाल के तिरछा होते हुए ऐसे ले जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से पुश करेंगे, ठीक। अब ऐसे हो गया, होने के बाद यहाँ 2 लगा हुआ है, एक को मूव करेंगे इधर साइड, ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज जब हो गया ये वाला तो इसको ऐसे रखेंगे। अब हम लोग दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला, उसको उसी तरह से नीचे साइड में, टॉप में इसको लगाए हैं, डाउन साइड में इसको लगाएंगे, डाउन साइड में तिरछा करके जैसे निकल जाना चाहिए, निकल गया। निकलने के बाद अब देखिए इसको ऐसे कर लिया, इसको भी। अब क्या करेंगे, इसको पीछे साइड खींचेंगे, इस साइड, इस पोर्शन को इधर खींचेंगे, आराम से करेंगे, हराएंगे नहीं, ठीक। ठीक है, थोड़ा संभाल कर करना होगा, ठीक है। इस किनारे हो गया, इधर के इस पूरा किनारे कर देंगे, इसको इस किनारे और इसको इस किनारे, देखिए इधर है, गैप है, गैप नहीं आना चाहिए, ठीक। जब ये हो गया तो अब ये वाले पत्ते लेंगे, इसमें ये उभार है, उभार, ये उभार जो बना हुआ है, ये उभार इसमें सेट होता है, ये खांचा में, ये देखिए खांचा नुमा है। तो कैसे करेंगे, इसको इसको थोड़ा सा तिरछा करके इसमें ऐसे ले जाएंगे, ले जाने के बाद उसको हम लोग अब नीचे से पुश करेंगे ऊपर की ओर, देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, 4 बोग से इसको खींच लेंगे, ठीक है, हो गया, एक साइड का लग गया। अब दूसरे साइड में ये खोखला है, इस प्रकार से देखेगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही प्रोसेस दूसरे साइड में करेंगे, ये बोबिन है, वह बोबिन का वो पत्ती है, वही खांचा देख लेंगे, ये खांचा दिख रहा है, उसके हिसाब से अब इसको तिरछा करते हुए लगाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 लगाएंगे और बिल्कुल ये खांचा के सामने इसका उभार आ जाना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं कैसे हुआ है,
देखिए, ठीक है, खाँचा के सामने उभार आ गया। उसके बाद इसको हम लोग फिर से नीचे से पुश करेंगे ऊपर की ओर, ठीक है, हो गई। अब देख लेंगे कहीं भी गैप दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है गैप, सटा नहीं है, उसको सटा देंगे। इधर देख लेंगे गैप नहीं सटा है नीचे, तो इसको सटा देंगे। इधर देख रहे हैं सब्जी में लगभग हल्का हल्का है, तो सटा देंगे। इस साइड में हो गया, अब इस साइड में देखते हैं, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, इसको ऊपर सटाएंगे, ठीक है। फिर इस साइड में देखिए इधर गैप, तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि हम लोग का एक पार्ट बोरिंग बन के तैयार हो गया है, ठीक है। चलो उसे सही से फिट कर लेते, तो देख सकते हैं हमारा ये बोरिंग तैयार हो गया है। ये 7 नंबर का था, अब यहाँ पर देखिए गया, फिर इसको भी पुश करेंगे, ठीक है। और कहीं से कोई देख सकते हैं कंप्लीट तैयार हो गया है। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि हल्का सा इसका उभर ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ से ढकेल सकते हैं या इसको हल्का सा डाउन कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ये मैंने बनाया है वो भी 7 नंबर कोर वाले ट्रांसफार्मर का, 7 नंबर 1.5 इंची। 1.5 इंची क्या है, 1.5 इंची मतलब कोर का पत्ती जो है हमेशा इस प्रकार से लगेगा। मैं आपको इसको बाद में पत्ती लगाना भी सिखाऊंगा। अभी हम लोगों ने देखा कैसे बोबिन को असेंबल करना है और ये बोबिन का फॉर्मेशन तैयार करना है। आपको वो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।